पहले तो मेरी फीस का इंतजाम नहीं हो रहा था। फीस पाकिस्तानी 12 लाख रुपए है ना, उफ, और मनीडम में बैठ के कमांड थी पहले, और विद इन अ डे जो है वो फीस अरेंज हो गई मेरी, क्या और विद बात इन अ है। डे मेरी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गई। अच्छा, उसके बाद मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे, बस ये कोई मैजिक है मुझे लगता है। उसके बाद ये दूसरी टेस्टिमनी ये थी कि मनीडम यहाँ पे ना किसी को भी इंटर्नशिप नहीं मिलती ड्यूरिंग स्टडीज। इंटर्नशिप मिली है मुझे, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में, मनीडम में सिर्फ कमांड दी थी कि इंटर्नशिप करवा दो, जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही। मेरी जो है विद इन 2 डेज उनका, बल्कि मैं कहती हूँ विद इन अ डे मुझे उनका रिप्लाई आया पॉजिटिव, और उन्होंने कहा कि दैट यू आर द मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट्स। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इतने डिजायरेबल कैंडिडेट हूँ, लेकिन बाद में सारा कुछ मनीडम में, और फिर दुआ और तवज्जो के भी रोज मैं कमेंट्स करती हूँ, और इंटर्नशिप का फाइनल कंफर्मेशन लेटर भी आ गया मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये परमानेंट भी कर देंगे मुझे अल्टीमेटली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत टेस्टिमनी बड़ी है यहाँ बात है, पे। नो और डाउट सबसे अबाउट बड़ी इट। बात है यहाँ पे इंटरनेशनल लोगों को नहीं मिलती इंटर्नशिप। मैं पहली इनकी पूरी कंपनी में ना मैं पहली इंटरनेशनल लड़की होंगी जिसको इंटर्नशिप मिली है, वो भी पेड, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि पेड होगी। और मैं मनीडम की कमांड नहीं कहती थी कि पेड हो पेड हो पेड हो और फिर मुझे परमानेंट भी कर दें। तो मुझे तो यकीन करें, मुझे बिल्कुल मुझे यकीन ही नहीं आया ना कि मुझे मिल कौन रही से है वाले यहाँ पे। मनीदम में बैठे थे बाजी?